साथियों नमस्कार साथियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे देश में दो सेक्शंस क्यों बटे हुए हैं ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जब बात करता है तो लगता है कि नेशनलिज्म की बात कर रहा है देश की भलाई की बात कर रहा है बड़ा अट्रैक्टिव सा फील होता है और एक आदमी जब अपने फैक्ट रखता है तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो सब कुछ गलत कर रही है अब देखिए हम पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे लेकिन पहले इनके मैनिफेस्टो पर एक नज़र डाल लेते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इनका जो मैनिफेस्टो ये कहता है कि अगर हम पावर में आते हैं इंडी अलायंस पावर में आता है तो हम सबसे पहले 370 जो हटाई गई है उसको दोबारा लगा देंगे ये इनके मैनिफेस्टो में है ये मैं नहीं कह रहा आप चेक कर सकते हैं देखिए है, बाकायदा पीडीएफ इनका इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसमें अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे उसको मैं समराइज करके बता रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं डिफेंड सेकुलरिज्म ऐसे करके इन्होंने अंदर बताया हुआ है ये क्या करेंगे सेक्युलरिज्म बचाने के लिए ठीक है ना सी हटा देंगे डेमोक्रेसी, ठीक है ना इसी को मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि 370 को दोबारा से लगा देंगे ऐसे ही सी ए को हटा देंगे जो सरकार सी ए लेकर के आई है, उसे ये हटा देंगे उसी प्रकार से ये एंटी कन्वर्जन लॉ को हटा देंगे मतलब सरकार एक लॉ लेकर के आई है कि अगर आप कन्वर्जन कराते हो तो उसके तहत आपको सजा हो सकती है ये चीज ठीक नहीं है उसको ये हटा देंगे उसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है अब आपको और हमको ये लगता है ना कि एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आनी चाहिए जो आने वाले समय में भारत की उन्नति में सहायक हों ऐसी पुरानी एजुकेशन जो अंग्रेजों की बनाई हुई है उसको हम फॉलो करेंगे तो अपना तो कुछ स्किल डेवलपमेंट अपने देश का डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी हम या तो उसी को रखेंगे अपनी तरह की कोई लाएंगे जो अभी वाली है इसे हटा देंगे ठीक है उसके अलावा हम एन हटा देंगे यानी कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी को थ्रेट होते हैं उस थ्रेट के लिए हम कई किसी किसी पर एन लगा देते हैं यू लगा देते हैं उसको टेररिस्ट घोषित कर देते हैं उसको ये हटा देंगे मतलब इनकी नज़र में कोई भी मुजरिम नहीं होगा भविष्य में रिमूव डेथ पेनल्टी जो फांसी की सजा है उसको हटा देंगे ये चाहे कोई रेप करे किसी की हत्या कर दे कुछ भी कर दे उसे फांसी नहीं हो सकती उसके अलावा इंडिया को क्वाड से बाहर करवा देंगे आई टू यू टू से बाहर करवा देंगे क्वाड चार देशों का एक समूह है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए और जापान शामिल है और आई टू यू टू भी चार देशों का समूह है जिसमें इंडिया इसराइल यूएसए और यू ए ई शामिल है ये कहना रहे कि इंडिया को इन दोनों ग्रुप से बाहर करवा देंगे ठीक है आपको लगता है इंडिया को होना चाहिए उसके अलावा एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स हमारे यहाँ पर जो भी परमाणु हथियार हैं उनको ये हटा देंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे बावजूद इसके कि हमारे दो पड़ोसी एक पाकिस्तान और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर हैं लेकिन ये चाहते इंडिया ना रहे कल को अगर पाकिस्तान या चाइना में से कोई भी हम पे हमला कर दे तो हम आसानी से युद्ध हार जाएं ऐसा ये चाहते हैं साथियों इनका मैनिफेस्टो ये बताता है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है देश में कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है उन्नीस सौ पच्चीस में पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज भी इसके कई सारे सेक्शंस बन चुके हैं और इस पार्टी को चलाने वाले जो आज की डेट में नेता हैं, जो काफी फैमिलियर आप इनसे होंगे सीताराम योचरी हैं कई नेता हैं 1925 में बनी ये पार्टी मानती थी कि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है उसको फॉलो किया जाना चाहिए जो काल मार्क्स थे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कम्युनिज्म सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर बताया हुआ है उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ ये कम्युनिज्म की जो स्टार्ट है ये काल मार्क्स ने करी थी पहले क्या था जब इंडस्ट्रियल रेवोलूशन आया था तो लोग प्राइवेट ओनरशिप काफी ज्यादा कर रहे थे अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे थे अपना बिजनेस खोल रहे थे उसमें कई सारे लोग काम करने आते थे तो जो मजदूर वहां काम करने आते थे उनके साथ शोषण होता था शोषण का मतलब एक फैक्ट्री एक मालिक की है फैक्ट्री ने मान लो एक लाख रुपए कमाई महीने में तो एक लाख में से मालिक नब्बे अपने पास रख लेता था जो दस हजार बच्चे वो मजदूरों में बांट देता था इस वजह से यह माना जाने लगा कि मजदूरों के साथ भेदभाव हो रहा है इनसे काम ज्यादा लिया जाता है पैसे कम दिए जाते हैं इनको कोई सुविधा नहीं दी जाती इनको कोई मेडिकल एड नहीं दी जाती कोई एजुकेशन एड नहीं दी जाती सिर्फ इनसे काम कराया जाता है यह चीज गलत है हालांकि कैपिटलिज्म यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसे कैपिटलिज्म भी बोलते हैं पूंजीवाद बोलते हैं कि भाई जिस जिसपे पैसा आए वो अपनी फैक्ट्री खोले काम कराए जिसे काम करना है वो करे नहीं करना ना करे चार घंटे काम करो चार घंटे के पैसे लो दस घंटे करोगे दस घंटे के पैसे लो कैपिटलिज्म कहता था लेकिन कम्युनिज्म को ऐसा लगने लगा या कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह चीज गलत है फैक्ट्री पर सभी का अधिकार होना चाहिए जो भी उससे जुड़ा हुआ है जो भी उस पर काम कर रहा है सब उसके मालिक है यह कम्युनिज्म की एक विचारधारा पनपने लगी और इसको स्टार्ट करने वाले थे कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमें क्रांति लेकर के आनी है दुनिया में यूरोप में बैठ करके कहा हमें क्रांति लेकर के आनी है और जितने भी ये कैपिटलिस्ट लोग हैं जितने भी ये पूंजीवादी लोग हैं जैसे आज हमारे देश में मुकेश अंबानी हो गए बिल गेट्स हो गए उधर यूएसए में या मार्ग जक्र हो गए ये सब क्या है कैपिटलिस्ट लोग हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्रांति लेकर के आनी है चाहे उसके लिए हमें हिंसा क्यों ना करनी पड़े लेकिन क्रांति लानी है और इनको उखाड़ के फेंक देना है क्या लेकर के आना है कम्युनिज्म लेकर के आना है उसमें क्या होगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में सब उसके मालिक उनसे पूछा गया अच्छा साहब फिर जो भी पैसा आएगा वो कैसे बटेगा जिसको जितना ले जाना है ले जाए लाख रुपया आया अगर किसी को लगता है कि उसे बीस हजार रुपये की जरूरत है वो बीस हजार ले जाए किसी को लगता है उसकी की जरूरत है पच्चीस हजार अपने हिसाब से लेके जाओ सबका पैसा है जितना लेना चाहो ले लो अच्छा साहब फिर पूछा गया अच्छा ये ये बताओ सरकार वरकार होगी कि नहीं होगी ऐसी स्थिति में बोलो कोई सरकार नहीं होगी सब सरकार है अगर एक देश में सौ करोड़ लोग रह रहे हैं तो सौ करोड़ के सौ करोड़ सरकार है सब चलाएंगे देश मिलकर बहुत अच्छी बात है साहब ये बताइए कि फिर धर्म होगा कि नहीं होगा कोई धर्म नहीं होगा कोई धर्म जैसा होगा ही नहीं सब बराबर है मतलब समानता के नाम पर ऐसा सिस्टम बना दिया ऐसा सिस्टम इमेजिन करवा दिया लोगों को जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है आप कैसे कह सकते हैं कि सब लोग मिलकर के देश चला लेंगे या कोई धर्म नहीं होगा चलो धर्म ना भी हो मैं मान लिया ये चीज हो सकती है कि धर्म ना हो लेकिन देश सब मिलकर चला लेंगे फैक्ट्री सब मिलकर चला लेंगे जिसको जितना पैसा लेना है, ले जाओ ऐसे तो सब ले जाएंगे ये प्रैक्टिकल विचारधारा नहीं थी लेकिन काल मार्क्स ने चूंकि विचारधारा एकदम से छेड़ दी तो लोगों को लगा कि यह आदमी है जो हमारे टाइप की बात कर रहा है तो लोगों ने मार्क्स को हीरो बना दिया क्योंकि ज्यादातर लोग कौन थे लेबर क्लास लोग थे हीरो बन गए मार्क्स उसके बाद कालमार्क्स के बाद इस पंक्ति में आए थे ये आपके कालमार्क्स इनके बाद आए थे लेनिन लेनिन की विचारधारा ऐसी थी कि भाई देखिए ये जो काल मार्क्स कह रहे हैं ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने भी लोग हैं सब मिलकर के किसी एक नेता को चुन लें अपने एक मुखिया को चुन लें और वो मुखिया जो है या तो फैक्ट्री चलाए फैक्ट्री का पैसा बांटे सब में या सरकार चलाए सरकार को होल्ड करे क्योंकि सब लोग मिलकर के चला सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसा इन्होंने कहा तो इनकी विचारधारा और प्रैक्टिकल लगी तो इसको बोलने लगे लेनवाद लेनिज ठीक है इसके बाद ऐसे ही स्टालिन आए ये आपके जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर उनका भी ऐसा ही मानना था कि सोशलिज्म होना चाहिए एक्चुअल में सोशलिज्म भी कम्युनिज्म से निकला हुआ है या कहें कि दोनों एक ही तरह के हैं पहले सोशलिज्म जैसी भी एक विचारधारा हुआ करती थी कम्युनिज्म आ गई जो इसको ज्यादा हिंसक बना दिया रिवोल्यूशनरी बना दिया लेकिन सोशलिज्म समाजवाद भी कहता है कि देखो भाई बात सही है, कि जनता, से पैसा आया है जनता में ही पैसा बटना चाहिए लेकिन इस पैसे को बांटने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी व्यवस्था यानी कि एक सरकार बनानी होगी जो सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आएगी लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आएगी जनता से टैक्स लेगी या जैसे भी पैसा लेना है उसके बाद जो भी चीज सरकार बनाएगी उस पर ओनरशिप जनता की ही रहेगी आप समझे नहीं जैसे सरकार हमसे टैक्स लेती है आज की डेट में टैक्स लेने के बाद में सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया रेलवे प्लेटफॉर्म अब रेलवे प्लेटफॉर्म का मालिक कौन है सरकार ही है एक तरीके से कोई आदमी तो है नहीं और सरकार क्या होती है सरकार जनता की होती है तो ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे प्लेटफॉर्म का मालिक हम सब हैं हम सब का अधिकार है उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाने का उसे यूज करने का तो इसे कहते हैं सोशलिज्म जहां पर हर चीज सरकारी होगी और सरकारी दुकान होगी सरकारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी सरकारी स्कूल होगा सरकारी अस्पताल होगा सरकारी पोस्ट ऑफिस होगा सरकारी रेलवे सब सरकारी होगा और इस सरकारी में कोई मालिक नहीं होगा उस चीज का सब मालिक होंगे लेकिन उस मालिक आना होने की एक व्यवस्था होगी एक व्यवस्था होगी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप क्लेम नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म मेरा है आप क्या कोई नहीं कर सकता मोदी भी नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म सबका है इसे कहते हैं सबका होना तो दिस वाज सोशलिज्म इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी थी चीजों को ऑन ग्राउंड लाने की तो काफी हद तक सोशलिज्म को काफी हद तक लेनिनवाद प्रमोट करता था और एक और आए थे जोसेफ स्टालिन वो भी प्रमोट करते थे उनका भी मानना यही था इसलिए रशिया में आज आपने देखा होगा कि ज्यादातर चीजें सरकारी होने के कारण रशिया इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया वो बात अलग है कि मिलिट्री पावर बन गया ये चीज थी स्टालिन में तो कम्युनिज्म एक विचारधारा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सोशलिज्म भी कम्युनिज्म की तरह है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल बना देता है वो सब में से एक को नेता मान लेता है सरकार बनवा देता है वो फिर सरकार सब में बांटती है लेकिन सोशलिज्म एक चीज और है कम्युनिज्म ये कह रहा है कि जिसको जितना चाहिए ले जाओ सोशलिज्म कह रहा है नहीं सबको बराबर मिलेगा अगर एक लाख रुपए आए हैं और दस लोग काम करते हैं सबको दस दस हजार मिलेंगे तो मैं कितने की भी जरूरत हो दैट इज समथिंग डिफरेंट ये सोशलिज्म कह रहा है तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है नाइनटीन नाइनटी वन तक तो पूरी तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी रही है यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था रही है उसके बाद हमने अपने प्राइवेटाइजेशन को स्टार्ट किया और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन है कैपिटलिज्म है लेकिन साथ में सोशलिज्म भी है क्योंकि आज भी कई सारी चीजें सरकारी एग्जिस्ट करती हैं सोशलिज्म होने का एक नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि आदमी अपनी स्किल्स का पूरा यूज नहीं कर पाता आप सुबह काम पे जाओगे शाम को काम से लौटोगे आपको महीने में उतनी फिक्स सैलरी ही मिलेगी आप चाहे काम ज्यादा कर लेना चाहे कम कर लेना चाहे अपना टैलेंट ज्यादा लगा लेना चाहे कम लगा लेना पैसे उतने ही मिलेंगे सोशलिज्म या कम्युनिज्म की विचारधारा को मानने वाले लोग धर्म में नहीं मानते इसीलिए इन्होंने इस तरीके का मैनिफेस्टो निकाला है इनका कहने का मतलब ये धर्म के बेसिस पर सी बना है ये साठा हटना चाहिए इनका मानना है कि जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ ये धर्म के बेसिस पर भेदभाव कर रहा है ये भी धर्म के बेसिस पर है इसलिए धर्म को ये नहीं मानते इन्होंने क्यों कहा कि क्वाड और आई टू यू टू से इंडिया को बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि इनमें यूएसए शामिल है यूएसए क्या सभी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कैपिटलिज्म को मानती है और ये यूएसए के खिलाफ है उसी प्रकार से ये कहते हैं न्यूक्लियर वेपन को बंद कर देंगे या बैन कर देंगे खत्म कर देंगे अपने देश से क्यों क्योंकि जब दो हजार आठ में आपको याद हो हमारे मनमोहन सिंह जी ने एक न्यूक्लियर डील करी थी यूएसए के साथ तो मनमोहन सिंह जी की सरकार गिरने पर आ गई थी क्योंकि उस समय जो यूपीए की सरकार थी वो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आ, सपोर्ट से चलती थी तो जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने वाले हैं परमाणु संधि करने वाले हैं तुरंत तो सीपीआई ने कहा कि अगर तुमने यूएसए से किया तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे और समर्थन वापस ले भी लिया वो तो अच्छा है नेताजी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का उन्होंने समर्थन दिया और सरकार चलवाई यूपीए की और न्यूक्लियर डील भी करवाई यही कारण है कि आज हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है अमेरिका से प्राप्त कर पा रहे हैं जिससे हम बिजली भी बनाते हैं और वेपन तो हम अपने उससे बना लिया था न्यूक्लियर से लेकिन बिजली तो बना ही रहे ये ये उन सब चीज़ों के खिलाफ है ये अमेरिका के खिलाफ है आप ये मान के चलिए ठीक है ये हर उस चीज के खिलाफ है जो अमेरिका करता है क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म का बादशाह है वो है नंबर वन कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म का बादशाह हुआ करता था यूएसएसआर जो आज रशिया कहलाता है टूटने के बाद आज देखा जाए तो चाइना भी कम्युनिज्म को मानने वाला देश है लेकिन चाइना चाइना में कम्युनिज्म कैसे आया ये भी चाइना में कम्युनिज्म आया था माओ के कारण माओ जेडोंग नाम है माओ इन्होंने कहा कि भाई देखो यूरोप में तो इंडस्ट्री चल रही है वहां वर्कर हैं तो उनको अपने गिरफ्त में लाने के लिए यह थे यूएसएसआर में इंडस्ट्री चल रही है उनको गिरफ्त में लाने के लिए ये थे स्टालिन थे चाइना में तो इंडस्ट्री है ही नहीं यार मैं यहां के लोगों को कैसे गिरफ्त में लाऊं कैसे वोट पाऊं कैसे इनका मसीहा बनूं यहाँ पे तो सब एग्रीकल्चर करते हैं तो इन्होंने कहा कि देखो ये कम्युनिज्म जो है ना एग्रीकल्चर में भी आना चाहिए एग्रीकल्चर लेबर को भी विद्रोह करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जमींदारों के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ जो इनसे काम करवाते हैं खेतों में ये बादशाह बन गए एग्रीकल्चर के नाम पर तो इनका हिसाब किताब एग्रीकल्चर के बेसिस पर पला था आप बात समझ गए तो हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है पहले बनी तो मार्क्सिज्म के नाम पर थी बाद में उसके सेक्शंस हो गए 1964 में में जब 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ तो हमारे देश में यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका यह कहना था कि जो भी फौजियों की मदद करेगा चाइना से लड़ने में वो देश वो हमारे खिलाफ है वो हमारी पार्टी से निकल जाए मतलब ये चाइना के खिलाफ नहीं थे उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना को और कुछ लोग थे जिन्होंने चाइना को चाइना के खिलाफ बात करी थी तो उन लोगों को इन्होंने अलग कर दिया उन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई जिसे सीपीआई बोलते हैं हालांकि उसका नाम सी मार्क्सिस्ट रखा गया लेकिन कहीं ना कहीं वो चाइना के खिलाफ वाले लोग थे आज उनकी पार्टी केरल में सरकार बनाई हुई है और 1964 में सीपीआई अलग हो गई सी एम अलग हो गई उसके बाद इनका संघर्ष चलता रहा फिर उन्होंने क्या किया नाइनटीन के आसपास बंगाल में अपनी जो मामले हैं तेज कर दिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है बंगाल में चूंकि बनी थी क्योंकि अंग्रेजों का गढ़ पहले बंगाल हुआ करता था इसलिए बंगाल में इनकी प्रेजेंस थी तो 1970 के बाद भी इन्होंने बंगाल में इनकी प्रेजेंस होने के कारण एक मूवमेंट चालू कर दिया कि भाई जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं नाइनटीन में युद्ध हो गया था बांग्लादेश नया देश बना था तो जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं उन्हें आने देना चाहिए उनको घर देना चाहिए उनको जमीन देनी चाहिए उनको रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए ये उनके फेवर में आ गए थे इस वजह से ज्यादा से ज्यादा हालांकि इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस बात को बोला था और इतना ही नहीं जब वहां के बांग्लादेशी भारत में आ रहे थे तो उनके लिए जमीन की व्यवस्था कराई उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराई और वो इन लोगों के लिए अच्छा खासा वोट बैंक बन गए थे आप समझ रहे हैं खेल क्या चल रहा है खेल ये चल रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो ये चाहती थी कि, कि कोई धर्म के बेसिस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कोई कंट्री के बेसिस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए सबको इंडिया में आने दो कोई दिक्कत नहीं है इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया बांग्लादेशीज को तो बांग्लादेशी जब आ गए तो ये बस गए आकर के बंगाल में सेम इन्होंने काम किया था नाइनटीन के आसपास पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानीज को आकर के बसवा दिया डेली में और डेली में भी पाकिस्तानी बढ़ गए या बांग्लादेशी बढ़ गए बाद में जाकर के बांग्लादेशी दिल्ली में भी जाकर बसे और बंगाल में भी जाकर के बस गए इस वजह से सीपीआई का अच्छा खासा वोट बैंक बांग्लादेश बंगाल में तो तैयार हुआ ही दिल्ली में भी तैयार हो गया था इसीलिए बंगाल में 1977 से लगातार 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार रही थी इन्होंने अपना वोट बैंक बनाया था उन बांग्लादेशी को जो बाहर से आए थे ज्योति बसु पहले लंबे समय तक वहां के चीफ मिनिस्टर रहे सन दो तक ये रहा है फिर उसके बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर आए 2011 तक रहे धीरे धीरे एंटी एंटीनक आ गई लोगों ने देखा कि यार ये लोग पावर में तो आ जाते हैं करते कुछ नहीं है फिर लोगों ने क्या किया एक नया विकल्प तलाशा वो थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी 2011 से वहां पर शासन कर रही हैं ममता बनर्जी ने भी फिर धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लिए और ममता बनर्जी भी वही पॉलिटिक्स करने लगी जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले करते थे क्योंकि वहां पर वोट बैंक था और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी अपने कामों के लिए बदनाम है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपने कामों के लिए बदनाम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग हर चीज का विरोध करते हैं जो भारत के हित में हो रही होती है और इसमें यही लोग शामिल नहीं है कुछ पत्रकार भी शामिल हैं पत्रकारों में आपने देखा होगा कुछ लोग अक्सर करके अः सरकार की नीतियों की बुराई करते हैं हर चीज उन्हें बेकार लगती है तीन सौ सत्तर नहीं हटनी चाहिए सी ए नहीं आना चाहिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों कर दिया ये लोग इस तरह की बातें करते हैं गलती इनकी नहीं है ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों की विचारधारा से प्रभावित हैं और ये लोग कम्युनिस्ट लोग जो हैं चाइना वाले लोग जो हैं आजकल चाइना इनको ज्यादा सपोर्ट करता है ये लोग सबको फंडिंग करते हैं इनका पूरा वर्ल्ड वाइड नेक्सस है 1991 तक तो इस बात की होड़ थी कि दुनिया में कितनी कंट्रीज को हम कम्युनिस्ट कंट्री बनाएंगे चलो देखते हैं नेक्सस लगा हुआ था लेकिन जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड हुआ करता था या कम्युनिज्म का हेड हुआ करता था उसका विखंडन हो गया तो यूएसएसआर से वो बागडोर चली गई और चाइना के पास आ गई आज चाइना सबका मसीहा बनता है इसलिए चाइना ऐसे पत्रकारों को फंड करता है चाइना कई यूट्यूबर्स को फंड करता है और न जाने कितनी एजेंसीज हैं जो उसके इशारे पर काम करती है इसलिए ये ऐसे बोल वचन करते हैं जो नेशनलिज्म के खिलाफ होते हैं हमारे देश में कुछ पार्टीज हैं जो कुछ ज्यादा ही नेशनलिज्म की तरफ हैं कुछ ऐसी हैं जो कुछ ज्यादा ही कम्युनिज्म की तरफ हैं कुछ बीच से में है जैसे एक बीच वाला पॉइंट ये मान लिया हमने तो अगर इससे हम राइट की तरफ जाएं राइट तो उसे हम कहते हैं राइट विंग पार्टीज जिसमें आपको फ्रीडम ज्यादा है आप कुछ भी कर सकते हो आप लिबरेट हो स्वतंत्रता तो है कुछ भी काम कर सकते हो कुछ ज्यादा ही अगर राइट विंग में चले जाओगे तो एनआरकिस्ट बन जाओगे फिर आप कट्टर बन जाओगे वो नहीं होना चाहिए और लेफ्ट का मतलब है इसका लेफ्ट यहाँ पे फ्रीडम लेस है आपको उतना ही काम करना है आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बंधे हुए हो उतने काम सरकारी नौकरी ठीक है रिपब्लिकन डेमोक्रेट रिपब्लिकन यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो जनता चुन के भेजेगी और बिल्कुल इधर चले जाओगे तो फेसिस्ट बन जाओगे इन लोगों की एक विशेषता है कम्युनिस्ट लोगों की दे आर स्वीट टॉकर्स वेन दे आर इन अपोजिशन जब ये अपोजिशन में होते हैं विपक्ष में होते हैं तो ये बहुत मीठा बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए बड़ा अच्छा 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 बोलते हैं लेकिन जैसे ये पावर में आ जाते हैं दे आर ब्रूटल किलर्स

वहाँ पे जिसको जो करना था उसे करने दिया और आज ये हो गया है कि वहाँ पर का हिंदुजम जैसा कुछ रहा ही नहीं है सेम तमिलनाडु में करने की कोशिश करी गई हिंदू वहाँ पे सनातन धर्म को गाली दी जाती है कोई कुछ बोलता नहीं है वहाँ भी लेफ्टिस्ट पार्टी का बोलवाला रहा है तो एक जमाने में त्रिपुरा में भी रहा था त्रिपुरा में लेकिन पिछले लगभग छह सात साल से बीजेपी की सरकार है उससे पहले त्रिपुरा में भी था इन्हें लाल सलाम बोलते थे लाल सलाम जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो लोग होते हैं उनको तो जब ये सत्ता में आ जाती है ना आज ये मीठी मीठी बातें करेंगे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए जितना पैसा राम मंदिर में लगाया है उससे अच्छा तो अस्पताल बन जाना चाहिए था स्कूल बन जाना चाहिए था अरे भैया एक बात बता अच्छा इनकी बातें ये वाली बात सुन के हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ बात तो सही क्यों स्कूल बनना चाहिए था हाँ अस्पताल बनना चाहिए था लेकिन एक बात बताओ राम मंदिर बनेगा तो कितना टूरिज्म बढ़ेगा कितने लोगों की दुकानें चलेंगी कितने होटल बनेंगे कितने रिक्शे वालों को काम मिलेगा कितनी सड़कें बनेंगी और जब ये सब बनेंगे पैसा आएगा तो उस जगह फिर अस्पताल भी आएगा स्कूल भी आएगा इतना बड़ा नहीं सोच पाते ये क्योंकि इतना बड़ा सोच लेंगे तो फिर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे ना इन्हें सत्ता में भी तो आना है इसीलिए ये ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं इस मैनिफेस्टो से वही लोग प्रभावित होंगे जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ होंगे और जब ये सत्ता में आ जाएंगे ना तो ये उन्हीं लोगों को बढ़ावा देंगे और उन्हीं लोगों के धर्म को आगे बढ़ाएंगे आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए अगर ये चीज हो गई तो क्या देश बचेगा चाइना जैसे या पाकिस्तान जैसे लोगों के सामने सोचिएगा तब जाके अनुमान लगाइएगा कि ये जो जर्मनी में बैठे यूट्यूबर्स हैं या यहाँ पर बैठे हुए बरीश कुमार हैं ये किस तरह की बातें करते हैं और क्यों करते हैं इनकी बातों का कोई सिरपेर नहीं है ये सिर्फ प्रोपागेंडा है और इन्हीं को कहा जाता है लेफ्टिस्ट जो कम्युनिज्म में मानते हैं वही लेफ्टिस्ट नमस्कार